Hello friends, welcome to the ISNIA e-medical classes. Today we will discuss regarding importance of antibiotic stewardship. First we will discuss about what is the importance of the antibiotic stewardship. Antibiotic stewardship is a crucial practice aimed at promoting the responsible and appropriate use of antibiotic. Antibiotic stewardship क्या होती है, ये एक critical practice होती है जिसको हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हम अपना कोई भी aim set करते हैं तो हमें उसको aim को complete करने के लिए जो भी हम responsible, जो भी हम इसको promote करने के लिए अपनी health को जो भी aim set करते हैं कि जो antibiotics है उसको हम अच्छी तरीके से appropriate way में, responsibly way में हम उसको use कर सकें. It involves implementing strategies and guidelines to optimize antibiotic prescribing, improve patient outcome, prevent antibiotic resistance and preserve the effectiveness of the antibiotic for future generation. इसके लिए हम क्या करना होता है, हमें जो भी कोई भी strategies आई हैं, जो भी strategies हैं वो हमें follow up करना होता है, उनको हमें implement करना होता है अपनी life के अंदर. और जो कोई भी antibiotic का prescribing का time क्या है, कितने time के लिए हमें जो antibiotic है जिसको doctor ने प्रेस्क्राइब किया है वो हमें कितने टाइम तक के लिए हमें लेनी है, और पेशेंट का आउटकम क्या रहेगा, पेशेंट उतने टाइम में उससे रिकवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो क्या रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है. प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, और जो एंटीबायोटिक है हमें बहुत लंबे टाइम तक अननेसेसरी वे में नहीं लेना है, ताकि क्योंकि क्या हो जाता है अगर एंटीबायोटिक बहुत लंबे टाइम तक कोई लेता रहे तो वो एंटीबायोटिक क्या कर देती है, रेसिस्टेंट हो जाती है बॉडी पे, वो इम्पेक्ट करना बंद कर देती है, और फिर चाहे कितने भी एंटीबायोटिक ले लो तो उससे प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व नहीं होती है. एंड प्रिजर्व द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक फॉर फ्यूचर जनरेशन, और हमें क्या करना है कि जो इफेक्टिवनेस है एंटीबायोटिक्स का वो फ्यूचर के लिए भी जो है वो बना रहे, वो अच्छी तरीके से लोग यूज़ करें, और उसका जो इम्पैक्ट है अगर कोई फर्दर प्रॉब्लम हो रही है तब हम उसको हमें ले रहे हैं तो उसका जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका इफेक्टिवनेस है वो बना रहा है. इस तरीके से हमें एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ करनी है. Here are some key reason why antibiotic stewardship is utmost importance. यहाँ पे कुछ key reasons ऐसे हैं, जो भी particular reasons हैं, जो main reasons हैं वो दिए गए हैं कि जो antibiotic stewardship जो है वो क्यों important रखती है हमारी life में. फर्स्ट क्या है हमारा, कम्बॉटिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, मतलब क्या है, अब एंटीबायोटिक अगर हम लंबे टाइम तक लेंगे तो वो क्या कर देती है, बॉडी के ऊपर रेसिस्टेंट कर देती है. तो इसमें क्या होगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट अकर व्हेन बैक्टीरिया डेवलप द एबिलिटी टू सर्वाइव द इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक रेंडरिंग देम इनइफेक्टिव. ठीक है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट क्या होता है, जब लंबे टाइम तक कोई भी एंटीबायोटिक अगर कोई भी लेता रहे तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, उसका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर नहीं होने देते, क्योंकि वो अपना रेसिस्टेंट जो है वो डेवलप कर लेंगे, वो उतनी कैपेबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो जाती है कि जितना भी डोज हम ले रहे हैं उसको उतने डोज पे वो जिंदा रह सकते हैं. तो वो क्या हो जाता है, उनका जो रेसिस्टेंट होता है वो कैसा हो जाता है, वो उतने पे रेसिस्टेड हो जाता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है एंटीबायोटिक का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. The overuse and misuse of antibiotics contribute significantly to the emergence and spread of antibiotic resistant bacteria. अगर कोई भी overuse करता है, misuse कर रहा है, ठीक है, नहीं ज़रूरत है फिर भी antibiotic unnecessary लिया जा रहा है, तो उसको क्या कर देगा, जो bacteria जो होते हैं वो अपने body के ऊपर क्या कर देते हैं, unnecessary लेने की वजह से resistant develop कर देते हैं. एंटीबायोटिक स्टेवॉर्डशिप प्रोग्राम हेल्प कम्बॉट दिस इशू बाई प्रमोटिंग अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक यूज़, रिड्यूसिंग अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन एंड मिनिमाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट. जो एंटीबायोटिक स्टेवॉर्डशिप जो प्रोग्राम है ये क्या करता है, ये हमारा जो हेल्थ है उसको प्रमोट करने में हेल्प करता है कि जो पर्सन है वो जितना भी रिक्वायर्ड एंटीबायोटिक है उतना ही ले, जितना प्रिस्क्रिप्टिव एंटीबायोटिक्स है उतना ही ले, या अननेसेसरी जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, अननेसेसरी जो अपनी मर्जी से लेते रहते हैं वो चीजें ना हो, ये जो है ये फर्स्ट इसका गोल रहता है. नेक्स्ट वन है प्रिजर्विंग एंटीबायोटिक इफेक्टिवनेस. अब हमें क्या करना है, जो एंटीबायोटिक का इफेक्टिवनेस जो है, भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं उसको हम इफेक्टिवनेस को हम प्रिजर्व कर सकें, तो उसके लिए क्या करते हैं, एंटीबायोटिक सारे प्रीसियस रिसोर्स दैट हैज़ रिवोशनलाइज्ड मेडिकल केयर. इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होती है, प्रीसियस रिसोर्स होती है, ये क्या कर सकती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमें रिवोल्यूशंस दे सकती है कि हम एक पर्टिकुलर टारगेट बना सकते हैं कि इसको हमें रेसिस्टेंट नहीं होने देना, हमें जितना भी प्रिस्क्राइब है हमें उतना ही हमें एंटीबायोटिक जो है वो लेना है.
However, their effectiveness is infinite and the pipeline for new antibiotic is limited. ठीक है, जो इसका इफेक्टिवनेस है इसका इन्फिनिट रहता है, मतलब कितना भी इसका जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत लंबे टाइम तक रह सकता है, और इसका जो पाइपलाइन है एंटीबायोटिक का, न्यू पाइपलाइन जो होता है वो क्या है, लिमिटेड है. मतलब इसको हमें एक लिमिटेड प्रिस्क्राइब टाइम के लिए ही लेना है हमें इसको, इसको अननेसेसरी नहीं लेना है. By practicing antibiotic stewardship, healthcare provider can ensure that antibiotics are used judiciously, preserving their efficacy for treating serious infection and extending the lifespan of existing antibiotic. हमें antibiotic जो stewardship होती है इसको हमें क्या करना है, जो इसके goal बनाने हैं, जो भी हम इसके बना रहे हैं, ठीक है, इसका जो importance है वो हमें normal time period के लिए ही हमें use करना है. हमें serious infections जैसे कुछ problem हो जा रही है, सीरियस इशू हो रहा है, तभी हमें एंटीबायोटिक जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए लेनी है, वो भी जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उतना ही लेनी है हमें. इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कम नहीं कराना है, और इसका लाइफ स्पान जो है एंटीबायोटिक का जो है वो लिमिटेड रह सके. जितना इसको प्रिस्क्राइब टाइम के लिए डॉक्टर दे रहा है उतना ही हम इसको ले लें, उसका हमें रेसिस्टेंट बॉडी पर डेवलप ना हो, तो ये हमारा इफेक्टिवनेस जो होगा इससे जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा. नेक्स्ट वन, प्रिवेंटिंग एडवर्स इफेक्ट. अब हमें जो भी एंटीबायोटिक के एडवर्स इफेक्ट जो हो सकते हैं उनको हमें प्रिवेंट करना है. एंटीबायोटिक्स आर पावरफुल मेडिकेशन बट दे कैन ऑल्सो हैव ए एडवर्स इफेक्ट ऑन पेशेंट. एंटीबायोटिक क्या होती हैं, पावरफुल मेडिकेशंस होती हैं. कोई भी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन वगैरह हो जा रहा है तो उसके लिए ये बॉडी के दी जाती हैं, ठीक है, कि उससे हम डील कर सकें. लेकिन ये क्या करती हैं, समटाइम्स ये कुछ एडवर्स इफेक्ट भी, मतलब साइड इफेक्ट्स भी जो हैं वो ये कॉज करती हैं. ओवर यूज़ ऑफ इन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन लीड टू अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स, एलर्जी रिएक्शन एंड ड्रग इंट्रैक्शन. सो ओवर यूज़ कोई भी अगर पर्सन करता है एंटीबायोटिक्स को तो ये क्या डेवलप कर सकता है, ये अननेसेसरली साइड इफेक्ट्स जो है वो डेवलप कर सकता है, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ये कोई और ड्रग के संग में ये इंट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से कोई भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह फालतू के बॉडी के अंदर हो सकते हैं और साइड इफेक्ट जो है वो कॉज कर सकते हैं. By promoting appropriate prescribing practices, antibiotic stewardship help minimize these risk and improve patient safety. हमें जो भी इसके prescribing practices जो होती हैं antibiotic stewardship से related, ये हमें क्या करनी रहती हैं, हमें ये minimize करनी रहती हैं, जिससे कि हम जो भी risk factors जो हो रहे हैं patient को, जो भी जिस चीज़ से भी antibiotic के, उसको हम उसको prevent करवा सकें, और जो person है उसके ऊपर ये resisted ना हो, और उसके adverse effect जो भी allergic reaction या फिर कोई केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर ऊपर बॉडी पे हो रहे हैं उससे हम प्रिवेंट कर सकें. नेक्स्ट वन, इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम. अब हमें क्या करना होता है, पेशेंट का जो आउटकम है वो इम्प्रूव करना होता है. एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक यूज़ लीड्स टू बेटर पेशेंट आउटकम. अगर कोई भी पर्सन अगर एप्रोप्रिएट वे में एंटीबायोटिक यूज़ करेगा तो इसका जो बेटर आउटकम जो है, बेटर रिजल्ट जो है उसको दे सकती हैं एंटीबायोटिक्स. बाई अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन प्रिवेंट पोटेंशियल साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन. अगर जो ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होगा अगर इसको सही से अगर इसको नहीं देता है तो ये क्या जनरेट कर लेती हैं, ये साइड इफेक्ट जो है बहुत अगर लंबे टाइम तक उसने दे दिया, ठीक है, अगर उसको सही से फॉलो अप उसने नहीं किया, प्रिस्क्राइब टाइम से ज़्यादा ले रहा है, अननेसेसरी ले रहा है, तो ये साइड इफेक्ट जो है वो कॉज कर सकती हैं. तो हमें इन कॉम्प्लिकेशन से क्या करना है, अपने आप को प्रिवेंट करके रखना है. एंटीबायोटिक स्टेवॉर्डशिप प्रोग्राम फोकस ऑन द टेलरिंग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट टू द स्पेसिफिक इन्फेक्शन, इंश्योरिंग द राइट ड्रग डोज एंड ड्यूरेशन विच लीड्स टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, शॉर्टर हॉस्पिटल स्टेज एंड रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट. जो एंटीबायोटिक स्टेवॉर्डशिप प्रोग्राम जो है ये किसके ऊपर फोकस करता है, जो भी इन्फेक्शन है पर्सन उससे डील कर सके, उसका ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट वे में हो सके, पेशेंट को जो सही ड्रग जो है वो राइट ड्रग उसको मिल सके, उसका डोज जो है वो एडिक्वेट मिले, ठीक है, जितना डोज रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल उसको 250 mg दिया गया, 500 mg दिया गया, तो जितना भी रिक्वायर्ड डोज है उसको उतना ही डोज मिले, अननेसेसरी डोज बॉडी के अंदर ना जाए, उसका ड्यूरेशन जो है वो अप्रोप्रिएट हो, उसका जो पेशेंट का रिजल्ट जो है एंटीबायोटिक का वो अच्छा आए, और उसका जो हॉस्पिटल का स्टे है फालतू का रुकने का टाइम पीरियड जो है वो ना उसका बढ़े, और उसका जो हेल्थ केयर का कॉस्ट जो है वो, मतलब जो पैसा जो खर्च होता है अननेसेसरी ट्रीटमेंट वगैरह पे, वो उसका खर्च ना हो. तो ये क्या है, स्टे प्रोग्राम जो है उसके ये मेन जो ये फोकस कर रहा है, उसके ये गोल्स हैं.
नेक्स्ट वन रिड्यूसिंग हेल्थ केयर कॉस्ट. अब हमें और क्या करना है, जो हेल्थ केयर कॉस्ट है उसको हमें रिड्यूस करना है कि जो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स जो है ना ले, रेसिस्टेंट डेवलप ना हो. तो ये क्या करेगा, अगर ये अननेसेसरी अगर कोई भी ले रहा है तो ये क्या कर देती हैं, बॉडी को वीकन कर देती हैं, ठीक है. जिसकी वजह से जब वो रेसिस्टेंट हो जाता है तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो है बॉडी के ऊपर अटैक कर सकता है. तो ये हेल्थ केयर कॉस्ट जो अगर बैक्टीरिया वायरस जो होगा अटैक करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा बॉडी का, तो क्या होगा, पेशेंट जो होगा जाके वो हॉस्पिटलाइज्ड होगा. तो ये क्या करेगा, अननेसेसरी कॉस्ट इंक्रीज कर देता है. तो हमारा मेन गोल क्या है, उसका हमें हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करवा सके. एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप हैज़ ए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट बाई रिड्यूसिंग हेल्थ केयर कॉस्ट. एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप एक मेन गोल ये भी रखती है कि इसका जो हेल्थ केयर का कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कराया जा सके. अननेसेसरी एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड हेल्थ केयर स्पेंडिंग थ्रू द परचेज ऑफ अननेसेसरी मेडिकेशन, एडिशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टेज. ठीक है, अननेसेसरी कोई भी पर्सन अगर एंटीबायोटिक का ले रहा है तो ये क्या कर देगा, अननेसेसरी मेडिकेशन जो होंगी वो खरीदेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होंगे फालतू के वो करवा के आएगा. ठीक है, जो उसका हॉस्पिटल का जो रुकने का खर्चा है, रुकने का टाइम ड्यूरेशन जो है वो सब कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि पेशेंट उस पर रेसिस्टेड हो चुका है और पेशेंट के अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं. बाई ऑप्टिमाइजिंग एंटीबायोटिक यूज, स्टीवर्डशिप प्रोग्राम कैन हेल्प डिक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट वाइल मेंटेनिंग हाई क्वालिटी केयर. जो ये एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप का जो प्रोग्राम है, इसको ये चला के जो गवर्नमेंट जो है उसको वो क्या कर सकती है, जो फालतू का ये कॉस्ट जो है वो बढ़ता है एंटीबायोटिक लेने पे फालतू के अननेसेसरी, उसको ये हेल्थ केयर क्वालिटी को डेवलप कर सकती है और जो कॉस्ट है उसको ये कम कर सकती है. नेक्स्ट वन ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न. ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न क्या है, हमें क्या करना है, ऑल ओवर जो भी पॉपुलेशन है उसको कवर करके उसके जो गोल जो है उसको मेंटेन करना है और उसका एंटीबायोटिक जो फालतू का लगता है उसको हमें लेना बंद कराना है. एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इज़ ए ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट. जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है ये क्या है, ये ग्लोबली जो है ये पब्लिक थ्रेट बन चुका है, क्योंकि लोग लेते रहते हैं और वो उसके रिगार्डिंग जो है वो रेसिस्टेड हो जाते हैं और उनके ऊपर इम्पेक्ट करना वो बंद कर देती है. इन्फेक्शन कॉज बाई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया आर मोर चैलेंजिंग टू ट्रीट, लीडिंग टू इंक्रीज मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी एंड हेल्थ केयर एक्सपेंसिस. जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया जो बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बैक्टीरिया हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, डिजीज़ कंडीशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ये फालतू के अननेसेसरी एक्सपेंसिस को ये बढ़ा देता है. By implementing antibiotic stewardship initiative worldwide, we can collectively address this urgent concern and safeguard the effectiveness of antibiotics for future generation. इसका antibiotic stewardship जो होती है, इसको initiate करके worldwide में इसको address करके हम इसके safeguard जो है क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें follow करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें follow नहीं करनी चाहिए, ये हम all over world जो है ये लोगों तक पहुँचा सकते हैं. और जो antibiotics जो है उसका जो limited जो चीज़ें होती हैं स्टीवर्डशिप प्रोग्राम जो है लोगों तक पहुंचा के उसका जो लिमिटेड यूज़ है, जितने टाइम के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, वो हम सारी चीज़ें करा सकते हैं.